हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रोनॉलेज हिंदी में। मैं आज आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आऊँ। आज का जो मेरा वीडियो है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, जी हाँ राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, आप लोग की जो है इसमें वैकेंसी निकली हुई है। मिलिट्री स्कूल बैंगलोर में आप लोग की वैकेंसी है। LDC, MTC, सफाई वाला, वासरमैन, टेबल वेटर, माली, पियोन की आप लोग की इसमें वैकेंसी निकली है। वैकेंसी बहुत ही अच्छी है, तो वीडियो आप लोग लास्ट तक देखेंगे आप लोग देख सकते हैं। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की मैंने आप लोग की वेबसाइट ओपन कर रखी है, इसमें आप लोग का अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन नोटिस जल्द ही इसमें आप लोग का आने वाला। मैं आप लोग को इसके नोटिस की पूरी जानकारी देने वाला हूं। वीडियो आप लोग लास्ट तक देखेंगे ताकि आप लोग को किसी भी प्रकार की कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो। तो आप लोग देख सकते हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ सिविलियन ग्रुप सी की आप लोग की वैकेंसी है। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बैंगलोर में आप लोग की वैकेंसी निकली हुई है और आज से इसके जो है ऑफलाइन अप्लाई, इसमें आप लोग के ऑफलाइन अप्लाई होने वाले हैं। तो आज यानी कि 9 जनवरी से इसमें ऑफलाइन अप्लाई शुरू हो चुके हैं। 45 दिन इसकी जो है लास्ट डेट दी गई, यानी कि 22 फरवरी 2021 जो है इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। सभी डॉक्यूमेंट्स आप लोग जो है गजेटेड ऑफिसर से अटैच करा के भेजेंगे। पूरी जानकारी मैं आप लोग को नीचे देने वाला हूं, तो वीडियो आप लोग लास्ट तक देखेंगे। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो वैकेंसी है आप लोग की, LDC की वैकेंसी है, 3 वैकेंसी है, 18 से 25 साल एज मांगी गई है। और यदि आप लोग 12th का प्लस है तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इंग्लिश टाइपिंग की आप लोग के पास जानकारी होनी चाहिए, यानी कि 35 वर्ड पर मिनट और कंप्यूटर पे। इसके अलावा लैब अटेंडेंट की एक वैकेंसी है, इसमें आप लोग की 18 से 27 साल एज है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। हाई स्कूल पास है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन लैब अटेंडेंट के जो वर्क होते हैं इसकी जानकारी आप लोग के पास होनी चाहिए। इसके अलावा पियोन की वैकेंसी है 2, इसमें आप लोग की 18 से 25 साल एज मांगी गई है। हाई स्कूल पास है तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन पियोन के जो वर्क होते हैं इसकी जानकारी आप लोग के पास होनी चाहिए। मालिक की एक वैकेंसी है, इसमें 18 से 25 साल एज रखी गई, हाई स्कूल पास है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मालिक के कामों की जानकारी होनी चाहिए। यहाँ आप लोगों से कोई ऐसा एक्सपीरियंस लेटर नहीं मांगा जा रहा, लेकिन आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए अपने वर्क की, ठीक है। MTS वॉचमैन की वैकेंसी है, 3 वैकेंसी है, 18 से 25 साल एज रखी गई, हाई स्कूल पास है तो अप्लाई कर सकते हैं, और वॉचमैन के जो वर्क होते हैं इसकी जानकारी आप लोग के पास होनी चाहिए। सफाई वाला के 4 वैकेंसी है, इसमें 18 से 25 साल एज रखी गई, हाई स्कूल पास है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, और आप लोग को जो वर्क की जानकारी होनी चाहिए। सफाई वाला के वाशरमैन की एक वैकेंसी है, 18 से 25 साल एज है और हाई स्कूल पास है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, और वाशरमैन के जो वर्क होते हैं इसकी जानकारी होनी चाहिए। टेबल वेटर की एक वैकेंसी है, 18 से 25 साल एज है, हाई स्कूल पास है तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप लोग को इनके कामों की जानकारी होनी चाहिए। जी आप लोगों से कोई एक्सपीरियंस लेटर नहीं मांगा जा रहा, लेकिन वर्क की जानकारी आप लोग के पास होनी चाहिए थोड़ी बहुत। जो इसमें आप लोग की जनरल SC ST OBC ठीक है सभी के लिए वैकेंसी है। इसमें एग्जामिनेशन के बारे में भी इन्होंने बता दिया है। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बैंगलोर में जो है आप लोग का यहाँ पे रिटर्न एग्जाम होने वाला है, और रिटर्न एग्जाम की डेट भी इन्होंने बता दी है, 21 मार्च 2021 आप लोग की जो यहाँ पे रिटर्न एग्जाम होने वाले हैं। तो किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा आप लोग को क्लोजिंग डेट के बारे में बताया गया है, 45 डेट, यानी कि जैसा मैंने आप लोग को बताया 22 फरवरी 2021 इसकी लास्ट डेट रहने वाली है, और ऑफलाइन ही इसमें अप्लाई होंगे। तो यदि आप लोग भी इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो मुझे जल्द से जल्द बताइए ताकि मैं आप लोग को इसके लिए वीडियो बना दूं, और इनकी वेबसाइट पर भी आप लोग का इसका नोटिस आने वाला है, फॉर्म वगैरह पूरी जानकारी आप लोग को मिलेगी। और इसमें आप लोग जो है ठीक है पोस्टल डिले के लिए कोई बेंगलुरु मिलिट्री स्कूल जिम्मेवार नहीं होगा, तो आप लोग स्पीड पोस्ट ही करेंगे। इसके अलावा वैकेंसी में आप लोग जो है चेंजेस हो सकते हैं, और यदि नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत ज़्यादा होंगे तो ये राइट्स हैं स्कूल के पास कि आप लोग को जो है परसेंटेज के बेस पे यहाँ पे बुलाया जा सकता है, यानी कि जो आप लोग की एजेंशियल क्वालिफिकेशन है या फिर जो भी डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है उसके परसेंटेज के बेस पे आप लोग को बुलाया जा सकता है यदि नंबर ऑफ वैकेंसीज यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा अप्लाई करते हैं। इसके अलावा एनवलप पे आप लोग क्या लिखेंगे इसकी जानकारी जैसे ही ऑफलाइन अप्लाई करूंगा मैं आप लोग को बताऊंगा। OBC वालों को बताया गया है कि जो आप लोग का फॉर्मेट दिया गया सेंट्रल का ही फॉर्मेट होगा और EWS का फॉर्मेट दिया गया, ठीक है ये आप लोग का होना चाहिए, और थंब इंप्रेशन वगैरह आप लोग लगाएंगे, ठीक है हिंदी इंग्लिश दोनों में ही आप लोग फॉर्म भर सकते हैं, किसी में भी कोई दिक्कत नहीं है। और फाइनल सेलेक्शन जो है ऑल ओवर ऑल इंडिया सर्विस के लिए आप लोग एलिजिबल, मतलब लाइबिलिटीज आप लोग के पास होनी चाहिए, मीन्स कहीं भी आप लोग को भेजा जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा आप लोग को जो एड्रेस दिया गया है द प्रिंसिपल राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बेंगलुरु बैंगलोर आप लोग का जो है ये एड्रेस है, यहीं पे आप लोग को जो है अपना एनवलप भेजना है। वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है जिसकी की जानकारी मैंने अभी आप लोग को दिखाई थी। चलिए इसके अलावा आप लोग को यहाँ पे बताया गया है जो भी आप लोग को अंदर एक एनवलप भी डाल के भेजना है जिसमें कि 30 रुपये का डाक टिकट लगा हो, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा 3 सेल्फ अटेस्टेड रिसेंट पासपोर्ट यानी कि 3 फोटो भी आप लोग को भेजने हैं जिसमें कि आप लोग के सेल्फ अटेस्ट होने चाहिए जो कि 3 मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे। और एग्जाम के दौरान किसी भी प्रकार की कोई आप लोग गलतियाँ नहीं करेंगे, ठीक है। एजुकेशन सर्टिफिकेट के बारे में कास्ट सर्टिफिकेट OBC मैंडेटरी है, ध्यान रखिएगा आप लोग 50 रुपये का आप लोग को पोस्टल ऑर्डर, जी हाँ फीस यहाँ पे आप लोग की लगने वाली है।
तो फीस यदि आप लोग जनरल ओबीसी से हैं तो ₹50 का आप लोग को यहाँ पे आईपीओ यानी कि इंडियन पोस्टल ऑर्डर आप लोग का लगने वाला है, जो कि फेवर में बनेगा प्रिंसिपल राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बेंगलोर बेंगलुरी के नाम से यहाँ पे बनने वाला है, ठीक है। और यदि आप लोग एससी एसटी ओबीसी और फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं तो आप लोग को यहाँ पे कोई फीस पे नहीं करनी है। रिजेक्टेशन के कारण बताएंगे कि आप लोग को फॉर्म किस कारण से यहाँ पे रिजेक्ट किया जा सकता है। तो यदि आप लोग कोई गलती करते हैं, कोई गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं, गलत फॉर्म भरते हैं, ठीक है, इस प्रकार से कोई भी मतलब इसमें ये सब चीज़ें होंगी तो आप लोग को जो है यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और 45 डेट आप लोग की लास्ट डेट रखी गई, यानी कि 45 दिन 22 फरवरी 2021 मैंने आप लोग को बता दिया है, 22 फरवरी 2021 आप लोग की इसकी लास्ट डेट है। और यदि आप लोग आते हैं आसाम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, इन सब स्टेटों से आप लोग आते हैं तो आप लोग की 52 डेज लास्ट डेट रहने वाली है, यानी कि 9 जनवरी में आप लोग 52 डेज जोड़ लेंगे, तब तक आप लोग के जो है यहाँ पे एनवेलप पहुंच जाने चाहिए। और अदर स्टेट वालों के लिए जो मैंने आप लोग को बताया 22 फरवरी 2021 लास्ट डेट है, तो इसमें आप लोग को और भी कुछ चीज़ें, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। आप लोग का रिटर्न एग्जाम होने वाला है, रिटर्न एग्जाम जो होगा इसमें आप लोग का 150 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, 150 क्वेश्चन आप लोग के आने वाले, 2 घंटे का टाइम होगा। और इसमें आप लोग की जो जनरल इंटेलिजेंसी आएगी, अवेयरनेस आएगी, और आप लोग की इंग्लिश और एप्टीट्यूड के न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस यहाँ पे आप लोग के आने वाले, हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आप लोग का यहाँ पे एग्जाम होगा, ठीक है, दोनों ही लैंग्वेज में आप लोग का पेपर होगा। 12th स्टैंडर्ड का आप लोग का आने वाला, द क्वेश्चन विल बी 12th स्टैंडर्ड यानी कि 12th स्टैंडर्ड के होंगे यदि आप लोग अप्लाई कर रहे हैं लोअर डिविजन क्लर्क की पोस्ट के लिए, ठीक है। तो ये आप लोग को पूरी जानकारी दी है, इसके अलावा सिलेबस की जानकारी दी हुई है, जनरल अवेयरनेस में आप लोग का क्या क्या आएगा, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंसी, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज, पूरी जानकारी आप लोग सिलेबस की यहाँ पे ले लेंगे। और इसमें आप लोग को जो है एज रिलैक्सेशन ओबीसी को 3 साल का, एससीएसटी को 5 साल का, और फिजिकल हैंडीकैप को 10 साल का, जैसे कि गवर्नमेंट जॉब में दिया जाता है। और आप लोग को जो कोविड-19 का यहाँ पे पालन करना है, एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में इन्होंने बताया है, तो इसका एप्लीकेशन फॉर्म की जानकारी आप लोग को होनी चाहिए। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, किस पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हैं, एमटीएस सफाई वाला के लिए, एमटीएस पियोन के लिए, लोअर डिवीजन क्लर्क के, जिसके लिए अप्लाई कर रहे हैं उसका नाम लिख देंगे, न्यूज़पेपर एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर आप लोग का कौन सा है वो लिखेंगे, नंबर लिखेंगे, डेट लिखेंगे, ठीक है। और इसमें आप लोग का जो यहाँ पे फोटो यहाँ पे आप लोग को लगानी पड़ेगी, नाम लिखेंगे, फादर नेम लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, डेट लास्ट डेट को, एज लास्ट डेट को क्या एज आप लोग की हो रही है, यानी कि 22 फरवरी 2021 को आप लोग की एज क्या हो रही है वो आप लोग को लिखनी है। और इसमें आप लोग की कैटेगरी आप लोग की कौन सी है, एससी एसटी ओबीसी जिससे भी आते हैं, नेशनलिटी क्या है, इंडियन, रिलीजन क्या है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, एड्रेस आप लोग को लिखना है, यानी कि जो भी हाउस नंबर है, पोस्ट ऑफिस है, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, पुलिस स्टेशन, पिन कोड वगैरह पूरा आप लोग को भरना है। इसके अलावा परमानेंट एड्रेस यदि सेम है तो सेम टू सेम उतार देंगे, अलग है तो अलग लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा कौन सा एग्जाम आप लोगों ने पास किया, 10th 12th जिस बेस पे आप लोग अप्लाई कर रहे हैं उसकी डिटेल आप लोग को देनी पड़ेगी, ईयर ऑफ पासिंग कब आप लोगों ने अप्लाई किया, ऑर्गेनाइजेशन क्या था यानी कि आप लोगों ने किस बोर्ड से किया है, परसेंटेज आप लोग की कितनी आई थी, क्या डिवीजन आई थी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, रिमार्क आप लोग का क्या था, ओके यहाँ पे लिख देंगे आप लोग, ठीक है। इसके अलावा एक्सपीरियंस यदि आप लोग के पास कुछ है तो आप लोग यहाँ पे लगा सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। और यदि आप लोग गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो आप लोग को यहाँ पे डिटेल देनी पड़ेगी, डिक्लेरेशन आप लोग को करना पड़ेगा, यहाँ पे 3 सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ आप लोग को लगाने हैं, ठीक है, और पोस्टल ऑर्डर का नंबर, डेट, और ₹50 का पोस्टल ऑर्डर होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। और लास्ट डेट से मीन्स जो इसकी फॉर्म अप्लाई की डेट है इसके बाद का ही आप लोग का पोस्टल ऑर्डर होना चाहिए। कितनी कॉपी आप लोगों ने टेस्ट किए लिखनी पड़ेगी, ठीक है, लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन आप लोग को लगाना पड़ेगा। पूरी जानकारी मैं आप लोग को अपने आने वाले वीडियोज़ में यानी कि ऑफलाइन अप्लाई वाले वीडियोज़ में दूंगा, कोई दिक्कत आप लोग को लेने के वाले की जरूरत नहीं है। इसके अलावा ओबीसी को यहाँ पे सेल्फ मीन्स यहाँ पे डिक्लेरेशन करना पड़ेगा, नाम, फादर नेम वगैरह, जो भी रेजिडेंस वगैरह, स्टेट वगैरह, ठीक है, पूरी डिटेल लेने के बाद प्लेस और डेट लिखेंगे आप लोग, इसके बाद आप लोग यहाँ पे सिग्नेचर कर लेंगे। और इसके अलावा यदि आप लोग इनकम ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो आप लोग को इस प्रकार का फॉर्मेट दिया हुआ है, ठीक है, आप लोग के पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है तो आप लोग ये लगा देंगे। तो ये मैंने आप लोग को पूरी जानकारी दे दी है, जो भी आप लोग की वैकेंसी निकली हुई है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बेंगलोर में, तो यदि आप लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, आप लोग इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो मुझे जल्द से जल्द बताइए ताकि मैं आप लोग को इसके ऑफलाइन अप्लाई का वीडियो बना सकूं। बट अब भी मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा और जाने से पहले यही कहूंगा, यदि चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन वाले बटन को जरूर दबाए ताकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोग के लिए लाता हूं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊं तो आप लोग के पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ओके बाय, थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।